बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माई डियर फ्रेंड्स, हम हैं आपके ग्रीन गार्डनर्स फैजी एंड हस्साम। आज का टॉपिक एक बेसिक गार्डनिंग का टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत से हमारे स्वीट स्वीट आंटीज़, हैंडसम अंकल्स और हमारे एज फेलोज़ ने बहुत हमें कहा कि आप इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं। तो वो टॉपिक है लेयरिंग। तो आज हम बात करेंगे लेयरिंग के बारे में। हसाम भाई हमें बताएंगे कि लेयरिंग होती क्या है। डियर फ्रेंड्स, हमारा दिल चाहता है कि हम अपने पौधे से और पौधे बनाएं, मतलब एक पौधे से उसके और ज़्यादा पौधे बनाएं, बेबी प्लांट्स बनाएं, यानी कि उसे आगे प्रोपेगेट करें। तो उसको प्रोपेगेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इसके सीड्स लगा सकते हैं, इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं, और भी काफ़ी तरीके होते हैं जिससे आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिस एक सक्सेसफुल और एक बहुत ही इजी सिंपल तरीके के बारे में बात करेंगे, वो है लेयरिंग। जो आप मेरे साथ एक ग्रेसफुल सा और बहुत ही खूबसूरत सा एक पौधा देख सकते हैं, ये कितना खूबसूरत है और कितने ग्रेसफुली फॉल कर रहा है। ये है पेरीविंकल फैमिली से और इसका नाम है विंका मेजर। और अभी आप देख सकते हैं, तो ये इसके जो फॉल है उस वो है 7 या 7 फीट तक का, एंड इट कैन फॉल अप टू 12 फीट और मोर। अगर आपने कहीं अपनी टेरेस से या छत से, आप ये देख सकते हैं, यहाँ से एक अच्छा खूबसूरत सा एक फॉल बनाना हो या एक कर्टन बनाना हो, इट इज़ अ रिकमेंडेड एंड रियली ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल प्लांट। आज हम इस खूबसूरत से पौधे से और पौधे बनाना सीखेंगे, और इसके लिए टेक्निक हम जो यूज़ करेंगे वो है लेयरिंग, और इसकी डिटेल्स आपको बाबा बताएंगे। जिस तरह आपको सामने और फैजान ने बताया कि ये बहुत प्यारा सा पौधा जिसको जो पेरीविंकल फैमिली से है और इसको कहते हैं विंका मेजर, और ये बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं है, छोटा सा पॉट है कोई 8 इंच का, और प्लास्टिक का पॉट है। इसके अंदर हमने अच्छी मिट्टी यानी कि 50% कंपोस्ट डाल के और 50% उसके अंदर सैंडी सॉइल है, वो हमने लगा के इसको इसके अंदर हमने लगाया हुआ है, और ये तकरीबन 2 साल का पौधा है। इसकी आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सर्दियों में मर जाता है। ये पौधा मरता नहीं है, ये अपनी डोरमेंसी में चला जाता है। और इसकी जो स्टेम्स हैं, अभी ये जो सामने आप स्टेम्स देख रहे हैं, ये सर्दियों में मैच्योर हो के तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी। फिर क्या होगा कि जब नेक्स्ट सीज़न आएगा फरवरी के एंड में, तो इसकी जो स्टेम्स हैं वो ये वाली स्टेम आप बेस से रख के उसकी डेड हेडिंग कर देंगे, काट देंगे, और बिल्कुल न्यू स्टेम्स निकलेंगी, और वो इसी तरह तकरीबन 2-3 महीनों के अंदर नीचे तक तकरीबन 12-13 फुट तक नीचे तक ये फैल जाती है और फॉल करती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है जो कि रिकमेंडेड है कि आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। ये पौधा मैंने क्वेटा में देखा, मरी में बहुत ज़्यादा ये वाइल्ड ग्रो भी कर रहा है, ग्रीन कलर में भी होता है और ये वेरीगेटेड फॉर्म में भी होता है। जिस तरह का ये पौधा है, इसके लश ग्रीन लीव्स भी होते हैं, और बहार के स्टार्ट में, फरवरी के एंड में और मार्च के स्टार्ट में इसके ऊपर खूबसूरत पर्पल ब्लूश फूल भी आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते। बेसिकली ये फोलियज प्लांट है और अपने फोलियज की वजह से ही ये लगाया जाता है। और इसकी एक ही केयर है कि इसकी जो सॉइल है जिसके अंदर ये पौधा लगा हुआ है उसको आपने मॉइस्ट रखना है। यू हैव टू मेक श्योर, एक दिन की भी ड्राइनेस ये बर्दाश्त नहीं करता है, इसके पत्ते बिल्कुल ऐसे मुड़ जाते हैं और ड्राई होने लगते हैं। अगर आप इसको 2 दिन मिट्टी इसकी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो देयर आर मैनी चांसेस कि ये पौधा दोबारा से वापस ना आ सके, क्योंकि इसकी लंबी स्टेम्स होती हैं, तो इसकी खुराक का जो एक तसलसल होता है, कंटिन्यूटी होती है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो बीच में ब्रेक हो जाती है और इसकी स्टेम जो है वो बिल्कुल मुरझा जाती हैं और मर भी सकती है। आपने इसकी मिट्टी को नम रखना है, यू हैव टू मेक श्योर, ओवर वाटरिंग का कोई मसला नहीं है इसको, पानी जितना भी ज़्यादा हो। बेसिकली ये रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, श्रब्स के नीचे उगता है, और मरी में आप जाएँ तो रोड साइड पर आपको ये पौधा बहुत सारा मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर वो ग्रीन कलर में है, और आजकल भी इवन आप इसके बहुत ज़्यादा फूल वहाँ पर देख सकते हैं।
तो अभी हम आते हैं कि इसकी प्रोपेगेशन कैसे करते हैं। ये देखें, ये हमारी विनका मेजर की पेरीविंकल की एक बहुत हेल्दी ग्रो हुई हुई बेल है, ये इस पॉट के अंदर है। ये देखें, ये तो बहुत बड़ा पॉट नहीं है, छोटा सा पॉट है। ये आप देखें, ये यहाँ पड़ा हुआ था और इसमें से एक टहनी ये नीचे गई है। और हम क्लोज़अप दिखाएं, ये नीचे आप देखें इसकी ये रूट्स, क्लोज़अप करें इसको, रूट्स को क्लोज़अप करें। ये देखें, ये ख़ुद ब खुद नीचे ज़मीन को टच हुई है और इसकी रूट्स निकल आई हैं। अगर हम ये पीछे से काट देते, आप देखें ये नई टहनियाँ भी निकल रही हैं और आगे वाली भी। ये पूरी स्टेम जो है इसकी, ये बड़ी हेल्दी, आप देखें पीछे से पत्ते छोटे थे और जहाँ से इसने जड़ें बना ली हैं वहाँ से ऑटोमेटिकली इसके पत्ते बड़े हो गए हैं और ये ज़्यादा हेल्दी हो गई है। ये एक नया प्लांट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसी तरह इस पौधे को वापस इस जगह पर रखेंगे और इसको, इसकी हाइट को यूटिलाइज करते हुए, ये अब हम इसकी देखेंगे कि ये स्टेम्स जो हैं, ये हमें इसके इर्द गिर्द पौधे रख, गमले रख दिए हैं ताज़ा मिट्टी भर के। एक ये गमला है, एक ये गमला है और एक हमने ये गमला रखा है, एक ये गमला रखा है और एक ये गमला रखा है। तो अभी हम इसकी सारी स्टेम्स को, क्योंकि इतनी लंबी हैं कि आराम से गमलों में फिट इन हो जाएंगी, तो हम इनकी स्टेम्स को मिट्टी में थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। जो लेयरिंग होती है, ग्राउंड लेयरिंग, बेसिकली वो बड़े पौधों की भी हो सकती है, छोटे पौधों की भी हो सकती है जिसकी बारीक टहनी होती हैं, लेकिन मोस्टली जो बेलें होती हैं उसकी ये ग्राउंड लेयरिंग ईजी भी होती है और ऑलमोस्ट 100% सक्सेसफुल होती है। जो बड़े टहनियाँ होती हैं लाइक गुलाब की बेल है या हनी सकल है या इस तरह की बेलें होती हैं, तो उसको आप क्या करते हैं कि टहनी को लेके हल्का सा उसको यहाँ से ज़ख्मी कर देते हैं और उसकी छाल उतार देते हैं और उसके बाद उसको मिट्टी में दबा देते हैं। और अगर मोटी टहनी हो, उससे भी ज़्यादा किसी लाइक अमरूद के दरख्त की है या ग्राउंड लेवल पे टहनी है, क्योंकि उसमें तनाव ज़्यादा होता है, उसमें वो अपने आप वापस ऊपर आ सकती है, तो गमले में मिट्टी ज़्यादा डालनी पड़ती है। टहनी रख के उसके ऊपर आप पूरा एक माउंट बना देते हैं, उसको माउंट लेयरिंग भी बोलते हैं। लेकिन इसके लिए सिंपल, आप इसको अगर ज़मीन के ऊपर भी ये पड़ी हो तो ये इसको नीचे इसकी जड़ें निकल जाती हैं और आराम से ये हो जाती है। तो बेलों के लिए नॉर्मली ये जो लेयरिंग की टेक्निक है, ग्राउंड लेयरिंग की, ये यूज़ होती है। तो अभी हम आएँ जी, ज़रा गौर से देखें कि इसकी लेयरिंग करते कैसे। ये स्टेम है लंबी, ये आप देखें, ये नीचे पहले कहीं नीचे लग गई है तो इसकी ये जड़ें ऑटोमेटिकली निकल रही हैं। ये देखें, अभी हम सिंपली इसको, ये हमने ताज़ा मिट्टी डाली है, बालू मिट्टी है और इसके अंदर कंपोस्ट है, तो हल्का सा हम इसको ये करेंगे डीप करके, तो इसको ऊपर इसके मिट्टी डाल देंगे। अब चूंकि इसने ऑटोमेटिकली वापस नहीं जाना, इसकी बारीक सी टहनी है, तो हम इसको थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। अभी ये चूंकि टहनी लंबी है, अभी आप देखें इसकी ये जो स्टेम है, तो इस ये यहाँ से भी इसकी हम लेयरिंग कर देंगे। ये थोड़ी सी मिट्टी हमने साइड पे की है और उसके बाद इसकी ये जो दो जॉइंट हैं, बेसिकली इन जॉइंट से जहाँ पर पत्ते निकल रहे होते हैं, यहाँ से जड़ें निकलनी होती हैं, तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा ये दबा दिया। अभी ये पौधा आप देखें, ये एक स्टेम थी, यहाँ से भी हमने इसकी लेयरिंग कर दी, यहाँ से भी कर दी। अब ये पौधा यहाँ से भी अपनी जड़ें निकाल लेगा इस जगह से और यहाँ से भी अपनी जड़ें निकाल लेगा। तो जब ये जड़ें अपनी इस इधर से निकाल लेगा, तो फिर हम इसकी नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम जो इसकी यहाँ से इसको पौधे को काट देंगे और इस पौधे को पीछे से काट देंगे, तो ये पूरे हमारे पास दो पौधे मिल जाएंगे। तो कितना आपने देखा कि बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक आज टहनी को और हम करके देखते हैं। ये देखिए, ये लंबी टहनी है, हम सिंपली इसको थोड़ा सा हमने मिट्टी को खुदाई की है और उसके बाद हमने सिंपली टहनी को यहाँ पर, ये दो या तीन, इजीली दो आती हैं, तो हम दो जॉइंट्स जो हैं उसके जहाँ से पत्ते हैं उसको हमने ये लगा दिया, तो ये अब आगे इजीली ग्रो हो जाएंगी। तीसरी टहनी भी हम इसी में लगाते हैं। ये देखिए, ये आ गई।
तो हम हाथ से या किसी टूल के साथ, तो ये सिंपली इसके अंदर हम ये नीचे दबा दिया थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये हमने इसको, अभी इसको जब पानी देंगे तो ये तीन पौधे इसके आगे तैयार हो जाएंगे, और जब ये इसकी जड़ें स्टेबल हो जाएंगी उससे पता ये चलेगा, जिस तरह आपको शुरू में दिखाया कि उसके पत्ते आगे बड़े होने शुरू हो जाएंगे, फील होगा कि पीछे छोटे पत्ते थे, अब उन्होंने अपनी जड़ें ग्रो करके पत्ते बड़े हो गए हैं और हेल्दी ग्रोथ होगी यहाँ से, तो फिर पीछे से इसको काट देंगे, तो ये आपके बेहतरीन पौधे तैयार हैं और ये फुली ग्रोन पौधे आपके पास आ जाएंगे। बीज से जो हम करते हैं, कटिंग से करते हैं, कलम से करते हैं, उस पर टाइम लगता है, बीज से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कटिंग भी ग्रो करते हुए स्टेबल होती है फिर बड़ी होती है। ये चूँकि ये जो ग्राउंड लेयरिंग होती है इसमें और बाकी लेयरिंग में, बाकी में फ़र्क यह है प्रोपेगेशन में कि इसकी जो टहनी पीछे असल पौधे के साथ अटैच होती है और उसको आगे हम ज़मीन में दबा देते हैं, तो जो उसकी खुराक बेसिकली पीछे से भी ले रहा होता है, तो इसकी सक्सेस रेट इसलिए ज़्यादा है कि पौधा अपनी खुराक पीछे से भी ले रहा है अपने मदर प्लांट से, मदर जो जड़ें हैं, और आगे भी मिट्टी में भी ग्रो कर रहे हैं, तो वो उसके मरने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है। अभी हम सारे ये जितने गमले हैं इनके अंदर इसकी लेयरिंग कर देंगे और पौधे तैयार हो जाएंगे, फिर हम उनको आगे बांट देंगे। कितना आसान है ये जो बेलों की, इस तरह की स्पेशली बेलों की लेयरिंग करना। सिंपली उसके पास आपने गमला रख लें सॉफ्ट मिट्टी वाला, और उसकी टहनी चूँकि फ्लेक्सिबल होती है तो कहीं भी आप करीब रख के तो उसके अंदर उसको दबाएं, और ये आपका कुछ दिनों तक आफ्टर वन वीक आपका पौधा जो है वो स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा, और तकरीबन 15 दिन के बाद आप पीछे से आपको फील हो जाएगा कि आगे पत्ते नए निकलने शुरू हो गए हैं और हेल्दी है। आप पीछे से काटें और आपका पौधा तैयार है। ये हम पौधे तैयार कर रहे हैं, बहुत प्यारा पौधा है, अगर किसी दोस्त को चाहिए तो हम उसको इंशाल्लाह गिफ्ट करेंगे, लेकिन हमारे घर में जो विज़िट करेगा। तो खुश रहें, इस सिंपल टेक्निक को आप अपने घर पर ईजीली यू कैन ट्राई इट एट होम और इन्जॉय गार्डनिंग। आपको बहुत मज़ा आएगा जब आपके अपने हाथ से लगाया हुआ पौधा इस तरह से निकलेगा। तो एक चीज़ याद रखनी है बिगनर्स के लिए, ये ना हो कि आप बीच बीच में से निकाल के उसको देखते रहें कि जी जड़ निकली है कि नहीं। आपने इंतज़ार करना है और पत्ते आगे से जो नए पत्ते हैं उनको आपने सिर्फ जज करना है कि वो फ्रेश और बड़े हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पौधा तैयार है। निकाल के जड़ देख के वापस लगाएंगे तो उससे वो लेयरिंग का प्रोसेस जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो खुश रहें, स्टे विद ग्रीन गार्डन्स, और इस तरह की मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छी अच्छी और बेसिक गार्डनिंग के ऊपर वीडियोस बनाते रहें। इस वीडियो की बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की थी और कहा था कि ये आप बताएं कि स्पेशली इस पौधे की लेयरिंग कैसे करते हैं और इसके आगे पौधे कैसे बनाते हैं, तो इस खूबसूरत से पौधे की आप लेयरिंग कर सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी गार्डनिंग।